नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। उत्तर प्रदेश में 96 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कोल ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल को 9,079 वोटों से हराया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अपना दल को प्रत्याशी रिंकी कोल को 76,176 वोट मिले हैं। बता दें कि 96 विधानसभा सीट बीजेपी के सहयोगी अपना दल के विधायक राहुल कोल के निधन की वजह से खाली हुई थी। ऐसे में खाली जगह में 96 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। यहां 10 मई को मतदान हुआ था। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में अपना दल ने राहुल प्रकाश कोल को 96 से अपना उम्मीदवार बनाया था। यहाँ उन्हें जीत हासिल मिली थी। राहुल प्रकाश कोल को 1,02,502 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी ने कीर्ति कोल को उम्मीदवार बनाया था। तब कीर्ति कोल दूसरे स्थान पर नहीं थी और उन्हें 64,389 वोट मिले थे। 403 सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्तारूढ़ बीजेपी के 255 विधायक हैं और उनके सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी के क्रमशः 11 और 6 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के 109 विधायक हैं जबकि उनके सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के 9 विधायक हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 6 विधायक हैं। कांग्रेस और जनसत्ता दल के 2-2 विधायक हैं और बहुजन समाज पार्टी के पास विधानसभा का 1 सदस्य है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। और भी अपडेट के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।